गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो यहाँ से अभी हम अपने होटल वाले रूम में हैं और यहाँ से जो व्यू आ रहा है बहुत ही प्यारा आ रहा है। सामने मैं आपको अभी इसमें जूम करके दिखाऊंगा। ये एक स्कूल है यहाँ शिमला का, कॉन्वेंट स्कूल, और सामने ऊपर पीछे बहुत ही सुंदर माल रोड बसा हुआ है। आज हम माल रोड विज़िट करेंगे और जाखू टेम्पल विज़िट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमें होटल से जाखू टेम्पल जाते हुए ये छोटा सा वाटरफॉल मिला है जिसका नाम चैडविक वाटरफॉल है। तो हम यहाँ पे थोड़ा रुक के वाटरफॉल को एंजॉय करते हुए और पिक्स लेते हुए और फिर हम आगे की जर्नी अपनी यहाँ से शुरू करेंगे। अभी हम अपनी गाड़ी से जस्ट वाटरफॉल से निकले हैं और जाखू टेम्पल जाते हुए। जाखू टेम्पल आप दो तरीके से जा सकते हैं, या तो अपनी कार से या फिर आप लोकल टैक्सी हायर करके, और थर्ड ऑप्शन है आपका माल रोड से डायरेक्टली आपको ट्रॉली मिल जाती है जो कि पर पर्सन 560 रुपीज़ चार्ज करती है आना जाना। तो हमारे पास अपनी गाड़ी थी तो हमने बेटर है अपनी गाड़ी से बेटर जाना समझा, क्योंकि माल अभी हम जाखू टेम्पल पे हैं और ये जाखू टेम्पल का मेन गेट है, मेन एंट्रेंस, जहाँ पे आपको पैदल ट्रैक्टर के ऊपर जाना पड़ेगा। हार्डली 50 to 100 स्टेयर्स हैं और वो उधर सामने हनुमान जी का मूर्ति है। गाड़ी आपकी यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से आपको पैदल ट्रैक्टर पे जाना है। अभी हम शिमला में जाखू मंदिर पे आते हुए, ये हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है जो जैसे दिखती है, और यहाँ से शिमला का पूरा 360 डिग्री व्यू आता है। सो फ्रेंड्स, ये जाखू टेम्पल पर एक हनुमान जी की मूर्ति है जो कि 108 फुट की है और ये एक भक्त ने 2010 में बनवाई थी। और जाखू टेम्पल की हिस्ट्री ये है कि जब रामायण काल में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे और यहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर के लिए विश्राम करा था। हनुमान जी का एक पैर इस पर्वत पे रखा गया था और एक दूसरा पैर हनुमान जी का कसौली पर्वत पे रखा गया था। तो तब से यहाँ पे दो टेम्पल बन गए, एक जाखू टेम्पल और एक कसौली में जो टेम्पल है। सो अभी हम जस्ट जाखू टेम्पल से वापस आए हैं और हम माल रोड की तरफ जाते हुए। सो माल रोड के लिए आपको नीचे से कार पार्किंग के सामने से लिफ्ट की टिकट मिलती है 20 रुपीज़ पर हेड, ये डायरेक्ट आपको माल रोड पे पहुंचा देती है लिफ्ट। हो गई कैसे लग रहा है? यही हूँ आप, ये देखो कैसे लग रहे हो? ये कोई फेस्टिवल है? मॉल रोड पे ही हो रहा है कुछ फेस्टिवल। बब्बल सजाते हैं, चोरी सुनेरी जंजीरा।
सो फ्रेंड्स, ये माल रोड में थोड़ा सा साइड में बैठने के लिए आपको सिटिंग मिल जाती है। यहाँ से आपको शिमला का पूरा 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, और अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ से आपको सनसेट भी देखने को मिल जाता है शाम के टाइम। और यहाँ पे आज एक फंक्शन हुआ हुआ है कुछ 2 अक्टूबर के, इसमें लाओ मैं खींच रही हूँ फोटो। मम्मी खींच रही है, देखो इधर को, देख मेरे को, देखो तो हंस के दिखा, हंस के दिखाओ। ये है चर्च, किशु का न्यू स्टाइल। किशु दिखाओ, पेट पे चश्मा पहन रखा है, कोई आईसु पहनता ही ये पेट पे। बहुत अच्छी लग रही है, मस्ती करते हुए। यह माल रोड से हल्का सा 2-4 स्टेयर्स ऊपर चढ़ के आते हुए यहाँ से माल रोड का पूरा व्यू आ जाता है। और यहाँ पे कुछ पानी पूरी की स्टॉल्स लगी हुई हैं, तो हम यहाँ पे पानी पूरी एंजॉय करते हुए यहाँ के। और यहाँ पे पानी पूरी की स्टॉल के साइड में ही एक लक्कड़ बाजार में सीताराम एंड सन्स की बहुत पुरानी, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स पुरानी छोले कुलचे की शॉप है। यहाँ के छोले कुलचे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशली यहाँ के छोले। तो अभी हम जस्ट उस शॉप पे आए हैं और यहाँ के इस लोकल छोले कुलचों को एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी हम माल रोड का अपना एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन मशोबरा की ओर जाते हुए, जो कि वहां से 16-17 किलोमीटर्स है फ्रॉम माल रोड, और अपनी गाड़ी से आप जाएंगे तो 1 आवर लगता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।